नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। जुड़े हैं हमारे साथ एक अजीम फनकार जो के 4 डेकेड से इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं, लेकिन लगता है अभी भी माशाल्लाह 24। प्लीज वेलकम फने अनिल कपूर। ये आ गए मेरे छोटे भाई। छोटे भाई थोड़ा 24 कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, 22। अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। 24 नॉट बैड, 24। तो सर आपके साथ आई हैं डेब्यूटेंट एंड ब्रेकआउट स्टार, प्लीज वेलकम पीहू उर्फ लता। सलमान साहब, मैं कुछ फिल्म के बारे में बता सकता हूँ? जरूर, प्लीज। हमारी जो लता है जो ये जो है वो बेबी सिंह की बहुत बड़ी फैन है। बेबी सिंह, अगर आप पूछेंगे बेबी सिंह कौन है, बेबी सिंह कौन, इस फिल्म में बेबी सिंह है ऐश्वर्या राय जी। अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन, सॉरी ऐश्वर्या बच्चन, बच्चन वो बेबी सिंह है। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रॉक स्टार है और लता जो मेरी बेटी है वो बेबी सिंह की बहुत बड़ी फैन है और बेबी सिंह की तरह बनना चाहती है। मुझे आप बताएं कि जो उड़ती उड़ती हमें जो पता चल रहा है कि आप ऐश्वर्या जी को किडनैप कर लेते हैं, तो बहुत जरूरी था। मतलब अब रियल लाइफ की बात तो नहीं कर रहा ना, ना फिल्म की। बेबी बेबी आप बेबी को किडनैप कर लो। बेबी सिंह जी, बेबी सिंह को मैं किडनैप कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम क्यों नहीं असली बेबी सिंह को यहाँ बुलाया जाए। समझ लो इशारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, ये जो गाना जो आप लोगों ने वापस से किया है, इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। ओह, ओके। आपको उसके जो ओरिजिनल गाना था जी, वो आपको आता है? जी आता है। गा देंगे ना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। बहुत अच्छे। तो जब सुनिधि ने उनका पहला शो किया था, टूर किया था, तो हमारे साथ किया था जी। ये 15 साल की थी एंड शी यूज्ड टू रॉक द स्टेज देन। थैंक यू सो मच। आपके साथ 15 साल की थी, तो मेरे साथ जब शो किया था तो 11 साल की। 11 साल की? 11 साल की थी। लेकिन अभी बेबी की बेबी भी है। यस यस, बेबी का बाबा है, बेबी का बाबा है, बेबी का बाबा, बेबी का बाबा, बेबी का बाबा। अभी कितना बड़ा हो गया है? 6 महीने का। 6 महीने गाता है? बाबा
बात हो गई। इतना हो गया, शुरू में है वो अभी? नहीं, अभी बेसुरा है। तो आप यहाँ पे फिर कर क्या रही हो? उसके पास नहीं जाना चाहोगे? जी जाना है मुझे। But I couldn't wait to be here. Thank you so much for having me. Thank you sir. कैसा टाइम फ्लाई होता है ना? Absolutely. ऐसा लगा कि परसों एक बच्ची थी, आज इसका बच्चा हो गया। बच्चों से याद आया कि आपके दो बच्चे कैसे हैं? जैसे आपने कहा कि टाइम गुजरने को वक्त ही लगता है, कि बेबी थी अभी ये बड़ी हो गई और इनकी बेबी का बाबा हो गया, तो उनका तो बाबा हो गया, मैं फादर इन लॉ बन चुका हूँ। फादर इन लॉ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नहीं बोले तो बेटर है। ग्रैंड फादर इन लॉ। आपको क्या लगता है कि मेरे को इसमें बनने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल है, इस जन्म में मुश्किल है। पर आपको कम से कम ख्याल तो आ रहा बच्चों का? नहीं, मेरे को तो बचपन से बच्चों का ख्याल आ रहा है, लेकिन हो नहीं रहे। पर उसका जो पहला स्टेप है वो तो कीजिए, आज आज बोल ही दीजिए, आज 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 बोल लीजिए पहला स्टेप क्या है। आई थिंक बच्चों का पहला स्टेप यहाँ पे सब जानते हैं। हाँ, और उसका शादी से कोई वास्ता है नहीं। आजकल आजकल हो सकता है। तो दो फनकार जो आज आपस में टकराएंगे वो है अनिल कपूर एंड द पीहू सैंड। सैंड तो हम खेलेंगे पहले आप लोगों के साथ नॉकआउट राउंड, जिसमें होंगे 7 सवाल और जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड और खेलेंगे मेरे साथ सुपर सवाल। लेट्स प्ले 10 का दम। तो आपका पहला प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय गुब्बारा एक सांस में फुला सकते हैं? What percent of Indians can blow a balloon in one breath? तो बचपन में होली में कभी आपने गुब्बारे फुगाए हैं? सबके बर्थडे पे सोनम के रिया के अर्ज के। तो आपके पास 15 सेकेंड है। On your marks, get set, ready, go. तो पीहू ने लगाया 49% पर और कपूर साहब ने लगाया है 43% पर। आए देखे कि कितने सारे भारतीय ऐसे हैं कि बलून को एक ब्रेथ में फुगा सकते हैं। कम ऑन रोलू द गोलू। ऊपर 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 ऊपर। अरे भाई नीचे। नहीं ऊपर सर नहीं। अरे नीचे बोलो यार। ऊपर नहीं। नीचे बोलो, नीचे बोलो, नीचे 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 नहीं 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 नीचे नीचे। अरे भैया सलमान साहब इस पर दिना जिंदा। इससे पहले कि आप सवाल पे जाए, एक सवाल ये है कि देखो सब तो भूखते हैं, आपको लगता है कि आप में से कोई ऐसे हैं कोई भी जो बलून को क्या होता है फूकना पड़ता है और बलून की हवा वापस अंदर ले सकते? कोई है? कोई मैं दिखाऊं? मैं ही एक ही आदमी जो कर सकता है। अरे बलून लाओ यार, बलून लाओ, बलून लाओ, बलून लाओ।
अरे ये पुगो में जो राजू भाई ना ताजा ताजा हवा भरी है, ये नॉर्मल हवा है ना, ये कोई दूसरी हवा तो नहीं है ना। मुझे भी चाहिए। मेरे पास एक ट्रिक है, पहले मैं डायलॉग बोलूंगा नॉर्मल आवाज में, करेक्ट है ना, नॉर्मल आवाज, नॉर्मल आवाज, फिर मैं इसको छूसूंगा मतलब हवा अंदर लूंगा, फिर देखना मेरे डायलॉग कैसे बेस में निकलता है, कैसे पार पर निकलता है। पहले मैं बोलूंगा, मानता हूं तेरी पसंद को फादर, एकदम मस्का मस्का एकदम चका। रैम्बो खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। बल्दी आवाज, बल्दी आवाज दिखती है। एक बार जो मैंने कमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप के भी सुनता बस। एक बार जो मैंने कमेंट कर दी उसके बाद हम यहाँ के रॉबिन पांडे हैं। इसमें हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस बेसिकली ये कर जाता है। अच्छा, हीलियम गैस। आप दोनों का सेकंड सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों को सीटी बजानी आती है? What percent of Indians know how to whistle? आप किस प्रकार की सीटी बजाते हो? मैं सिटी, एक्चुअली मुझे टू बी ऑनेस्ट सिटी बजाने आती थी नहीं आती, मुझे थोड़ा बहुत विसल आता था, वो भी बहुत खराब। हाँ, मैं तो इतना ही आता है मेरे को मतलब ये सिटी से सिटी बजाई या अपने सिटी सिटी बजाई? सर हाथ से बजा, आपने देखा नहीं? सीरियसली? हाँ, फिर से दिखाओ, फिर से दिखाओ। सर आप सलमान सर के देखिए, फिर मैं नहीं, Not bad. मेरा है, quick है ये। दे मैं actually मुझे नहीं आती, मगर सलमान आपको आती है? ये तो romantic हो गई। थोड़ा सा। अरे। अरे। ऐसे सीढ़ी बजाना। तो आप के 15 सेकंड शुरू होते हैं अब, and ready, steady, on your marks, go. So, पीयू ने लगाया 67% पर और अनिल कपूर साहब ने लगाया 64% पर, बहुत ही करीब चल रहे हैं। आए देखते हैं कि कितने भारतीयों को सीटी बजानी आती है। एक्सक्यूज मी सर। Yes, ma'am. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मैं अनिल के साथ डांस करना चाहूंगी। आइए 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 आइए। One minute. I have my friends with me. वो भी आएंगे हमारे साथ। ये भी आएंगे? जी। आइए चलिए। चलिए। चलिए तो संभल के। कौन सा? बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, इस गाने पे हम इनके साथ नाचना चाहते हैं। जी 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 जी, मैं नहीं, अब तो ये इनका गाना हो गया है। ये मेरी फैन है। हाँ, ये आपकी फैन नहीं है। ये प्लीज प्लीज आप लोग मन मौजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो
लखन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मोदी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी वन टू का फोर फोर टू का वन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है मेरा अच्छा आप देख रहे हैं कपूर साहब ये क्लियर बेसिकली क्लियर कर रहे हैं कि आप इनसे सीनियर हो ये मेरे साथ भी ये करते हैं बड़ा होना चाहते नहीं है ना अच्छा आपके कान में एक बात जो बतानी है नहीं मुझे किसी बात का कुछ बुरा नहीं लग रहा आप तो हमारे दिल में रहते जी 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 अच्छा मैं भी एक आपका आशीर्वाद देना चाहता हूँ मेरे कान में थैंक यू हाउ लवली हाउ सपोर्टिंग थैंक यू आइए मैं आपको थोड़ा Be careful. देखा कपूर साहब की फैन फॉलोइंग बच्चियों से लेकर बुजुर्गों तक भाई मैं 24 का हूँ वो तो सिर्फ 22 की हैं आइए मैं आपसे आपका अगला अनोखा सवाल पूछता हूं और वो प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष नहीं पटा पाए कोई लड़की क्योंकि उनके जीवन में थी कड़की What percent of Indian men have been unable to call a girl their honey because they had no money? तो हमारे बांद्रा में बोलते थे नो मनी नो फणा फणी बट ऐसा होता है क्या सर मेरे साथ तो हुआ क्या है कि देखो मैं चंबूर में रहता था और मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी जिनका नाम जिनको आप जानते हैं सुनीता मेरे तीन बच्चों की माँ है जी जी, जी जी और तो पैसे होते नहीं थे मेरे पास तो बोलती चल दिया आई सर मैं नहीं आ सकता है दो डेढ़ दो घंटे मिलेंगे पहुंचने के लिए नहीं नहीं आई वांट यू इमीडिएटली आई सर देखो मैं बस पकड़ूंगा BST पहुंचते पहुंचते मेरे को डेढ़ घंटा लगेगा तो चल टैक्सी में आ जा मैंने टैक्सी के लिए तो पैसे ही दिए तो मैं सुनीता से पैसे लेता था तो 100 रुपये देती थी टैक्सी का बिल होता था मेरे ख्याल से 30 या 40 रुपये 60 रुपये अपने पॉकेट में रख देता दो कॉलेजेस गया वहां पर और यूं लटक के गया हूं तो आप दोनों के पास 15 सेकंड है 15 सेकंड सॉरी सवाल ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष नहीं पटा पाए कोई लड़की क्योंकि उनके जीवन में थी कड़की आपका समय शुरू होता है अभी ऑन मार्क्स यस सर रेडी गो तो पीयू आपने लगाया सर अच्छा इतनी तकलीफ मुझे तो लगता है 81% कड़के हैं आपने लगाया पीहू और अनिल ने लगाया है 81% Come on, रोलू द गोलू थर्टी फोर परसेंट
रीरी यार सच्ची यार वाकई सिर्फ 34% 34% तो उस 34% में मैं हूँ. अरे लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ या नहीं? कॉम्प्लीमेंट है, लड़कियों के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि जिसके पास पैसे नहीं है और फिर भी वो लड़की उनसे प्यार करती है. दैट मीन्स उस आदमी में कुछ ना कुछ बात होगी ना कि कड़का आदमी लेकिन अंदर से धनवान है. तो मतलब मुझे जाके सुनीता से पैर पड़ने चाहिए. तो मैं भी जाके पत्नी मेरे पत्नी सुनीता के पैर पड़ूंगा क्योंकि मैं तो कड़का था. थैंक यू. तो पीहू जीती है 20,000 रुपए. तो ये आप जीत चुकी हैं. किस नोबल कॉज के लिए खेल रही हैं आप? जी मैं खेल रही हूँ, एक फाउंडेशन है युवा अनस्टॉपेबल. युवा अनस्टॉपेबल? जी युवा अनस्टॉपेबल. क्या करते हैं वो फाउंडेशन? म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स में वॉशरूम्स बनाते हैं, टॉयलेट्स बनाते हैं एंड वो उसको मेंटेन भी करते हैं सिर्फ बना के. तो दैट्स द मोटिव. बहुत अच्छे. हेल्थ एंड हाइजीन. और कपूर साहब आप? वही पुराना वाला, वही प्लान इंडिया. प्लान इंडिया. मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ. बहुत सर. प्लान इंडिया सर. वही तो बोल रहा हूँ सर, गर्लफ्रेंड अब 3 बच्चों की माँ, इससे लॉयल कौन हो सकता है? 45 साल से साथ में. 45 years और देखो आदमी बोर भी नहीं हुआ है. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आइए मैं आपसे आपका चौथा प्रश्न पूछता हूँ. तो आपका चौथा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय जहां कहीं भी आईना देखते हैं वहां अपने आप को सवारने लगते हैं. What percent of Indians on seeing a mirror at any place start grooming themselves? अब देखो ये एक अनोखा स्टाइल देखो अपने आप को सवारने का. ये कपूर साहब को आईना दिखा. ये दीपक साहब हैं मेरे साथ ऑलमोस्ट 38 साल से हैं. और मेरा स्टाइल है मिचर, मैं ऐसा लो नहीं देखता हूँ. लो में मैं खराब लगता हूँ. तो हमेशा मैंने बोलता थोड़ा सा ऊपर कर. क्या लग रहा हूँ यार, क्या लग रहा हूँ? Mind blowing. Fantastic. Superb. Thank you. Sweet boy. You come up. तो जैसे कि दीपक इनके साथ इतने सालों से हैं, मेरे साथ हैं राजू. कहाँ है भाई? तो ये मेरे साथ मैंने प्यार किया से हैं. और अरे, क्या बात है? जैसे कि कपूर साहब वैसे देखते हैं आईने को, मैं ऐसा देखता हूँ. सलमान को हक है. सलमान साहब को हक है. वो नहीं भी देखें तो चलेगा. और जब देखते हैं सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, रात को सोते हैं, हसीन लगते हैं. अरे कभी कभी जब मैं आपको नहीं पता जब सुबह उठता हूँ तो कितना भयंकर दिखता हूँ मैं. 1 घंटा भागना पड़ता है. आपको भी बहुत सुख. सभी को बहुत सुखी. तो आप दोनों के पास हैं 15 सेकेंड. On your marks, get set, ready, go. कपूर साहब ने लगाया है 41% पर और पीहू ने लगाया है 69% पर. कम ऑन रोलू द गोलू, बताओ. अरे बाप रे भाई, 56%. कौन जीता? पीहू जीती. क्या करें? मैं कहना चाहती थी कि हम सब स्कूल में हम एक मिरर वाली गेम खेलते थे. क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ तो मैं एडवांटेज लूंगी इस सिचुएशन का. तो आज मैं आप लोग को एक गेम खिलाऊंगी जो हम खेलते थे. आई एम श्योर आप लोगों ने भी खेला होगा क्योंकि ये सबके वश में है. तो भाई खजाना लाओ खजाना. ये आप दोनों के फ्रेंड्स हैं. अच्छा ओके. और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं. इन कार्ड्स में कुछ सिचुएशंस हैं और मैं आपको वो सिचुएशन दिखाऊंगी और आपको फिर मिरर में देख के वो सिचुएशन एनएक्ट करना है.
और फिर आपको मिरर हटा देना है और फिर आपको वो एक्सप्रेशन मेंटेन करके एक दूसरे को देखना है और जिसकी हंसी सबसे पहले छुटी वो हार गया। डन। पहला सिचुएशन है डबल चिन। ओके। डबल चिन निकालना है। हाँ, डबल चिन। डबल चिन। ओके रेडी एंड डाउन। How was my double chin? मैं डबल चिन में भी हैंडसम लगता हूँ। दूसरी सिचुएशन है वाइफ या गर्लफ्रेंड के हाथ में फोन आ गया। रेडी? रेडी। अप मिरर्स एक्सप्रेशन रेडी। अच्छा ऑलरेडी सर आपका एक्सप्रेशन रेडी। रेडी अनु सर एंड डाउन। हवा छोड़ी पर पॉटी निकल गई। क्या? हवा छोड़ी? हवा छोड़ी पर पॉटी निकल गई। सर नहीं सर आप रेडी हैं? आप एक साथ दोनों मिरर प्लीज ऊपर करिए, ठीक है? ला ला ला, अच्छा ला, इनके रेडी हो गए। ला 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 अभी आता हूँ जरा दो मिनट पे। बहुत अच्छे। लास्ट वाला है ध्यान से दोनों। जिप में स्किन फंस गई। आप दोनों साथ में ऊपर करना मिरर। वन टू रेडी एंड डाउन। फंस गई सर। आप दोनों ने बहुत उंदा खेला। थैंक यू। ये सलमान को मानना पड़ेगा, सबके लिए एक ही एक्सप्रेशन। एक ही एक्सप्रेशन। तो ये आपका पांचवा सवाल है। कितने प्रतिशत भारतीयों की जुबान पर कभी कोई ऐसा गाना चढ़ गया है जो उनको पसंद नहीं? What percent of Indians have at least once constantly hummed a song they didn't like because it stuck in their mind? इसको बोलते हैं earworm. Earworm? Earworm. Is earworm. कि गाना सुनो जो कि पसंद नहीं लेकिन वो गाना अटक जाता है। ऐसे मेरे बहुत सारे गाने ऐसे। एक फिल्म की थी, फिल्म चली नहीं, मगर गाना बहुत अभी भी लोगों को अटक गया। बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, वो बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा जाता ही नहीं है, जहाँ जाओ लिफ्ट में बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, नानी नानी नाना नाना करना वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। तो आप दोनों के पास हैं 15 सेकेंड ऑनी मार्क्स। गेट सेट रेडी गो। तो पीहू ने लगाया 53% का फर्क है। पीहू ने लगाया 53% पर और कपूर साहब ने लगाया 56% पर। आए देखें कि किसमें कितने गाने ऐसे चिपक जाते हैं। Come on, रोलू द गोलू। फिफ्टी टू परसेंट पीहू जीती।
So, आगे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप क्या आपको ये बात पता है कि कपूर साहब इज अ ट्रेन्ड सेमी क्लासिकल सिंगर? यस यस। अनिल सर, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। एक लाइन गा देता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं सलमान साहब। मुझको मत रोको मुझे यार के घर जाने दो। तो सलमान सर, आपका मैं हूँ हीरो, तेरा भी गा दीजिए आप साथ। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, फिर क्यों आगे तेरे हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ पता। मैं हूँ हीरो तेरा, हाँ, तो प्रश्न ये है कि हेलो अनिल सर, गुड इवनिंग। कहाँ भैया? हाय सर, गुड इवनिंग सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। सर मैं एक्टिंग का आपका दीवाना भी हूँ और मस्ताना भी हूँ और आशिकाना भी हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए और सलमान सर के लिए कुछ लाया हूँ, कुछ बहुत अच्छा चीज लाऊं सर? आइए। ये तो कुछ क्या ड्रेस सर, ये ड्रेस सर आपके लिए और सलमान सर के लिए। और सर मैं आपके साथ उफ उफ मिर्ची वाले गाने पर डांस करना चाहता हूँ सर। आपका मोमेंट है। तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, तेरी लहर बुरी, तेरी जहर बुरी, सड़ गई दिल ते हाय हाय मिर्चे। Once more. आपको सांस लेना पड़ेगा। So, आइए मैं आपसे आपका अगला सवाल पूछता हूँ और वो प्रश्न है ये कि कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा है कि वो अपने पिता की लाडली है? मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है सलमान साहब, सोनम तो हमेशा कहती है कि आई एम माय डैड्स फेवरेट, मैं अपनी डैडी की लाडली हूँ। शी इज, यस एब्सोल्युटली, यस हमेशा कहती है, हमेशा कहती है। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन वुमेन सेड दैट दे आर ए डैडीज गर्ल? प्रियंका चोपड़ा ने अपने हाथ पे लिखा यहाँ पर डैडीज लिटिल गर्ल। पीहू आप? जी मैं भी अपने माता पिता की एक ही लड़की हूँ तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको मुझे प्यार करना पड़ेगा। हाँ बट मुझे बहुत प्यार है अपने पापा से। लेकिन लड़कियाँ ज्यादा करके डैडीज गर्ल्स होती हैं और लड़के हाँ, लड़की मम्मी के ज्यादा मम... हाँ। लेकिन सर फिल्म में तो हम लड़ाई कर रहे हैं। नहीं फिल्म में लड़ाई कर रहे हैं, फिल्म में भी मेरी एक ही बेटी है। जो फिल्म जो शुरू होती है तो मैं जो हूँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस फिल्म में मुझे मौका मिला है उनका एक गाना, मतलब गाना नहीं है
सोनू निगम जी ने गाया, क्योंकि मुझे लगता है रफी साहब की अगर कोई आवाज गा सकता है तो वो सोनू निगम जी हैं। क्या बात है। और गाना है थोड़ा सा, मैं गाने की कोशिश कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो। सकता हूँ बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। तो आपके पास 15 सेकंड है। On your marks, get set, ready, go. तो पीहू ने लगाया 84% पर और कपूर साहब ने लगाया है 79% पर। आए देखते हैं कि कितने डैडीज गर्ल हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए। मुझे लगा ज्यादा लड़कियां बस शर्माओगी। हमारे साथ खेल रहे हैं पीहू एंड कपूर साहब, दोनों हैं 60,000 रुपयों पर, मतलब के दोनों ने जीते हैं 3-3 पॉइंट्स। अब आएगा सातवां सवाल। सवाल है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी अपने पापा के स्कूटर या मोटरसाइकिल को उनसे छुपकर चलाया है? What percent of Indians have at least once secretly taken out their father's scooter or motorcycle for a ride? बताइए सर, कोई किस्सा बताइए कि कब कितनी बार आपने स्कूटर? Every night, sir. एक बार क्या हुआ, एक ब्रांड न्यू फिएट आई थी, अरबाज और मैंने गाड़ी निकाली। अरबाज ने कहा कि मुझे गाड़ी चलानी है। अरबाज ने गाड़ी ली, आगे लिया और सीधा गटर में और एक खंभे में ठोक दिया। तो अरबाज लगे रोने, तो ऐसे डोंट वरी आई टेक द ब्लेम ऑन मी। बहुत पिटाई हुई। तो मारते मारते अरबाज को बोल रहे हैं, ये तो है ही और तुम में अकल नहीं इतनी, तुम इतने स्मार्ट हो साले पिंपल। अरबाज को है कि नहीं था उस वक्त। तो when he said that, अरबाज started laughing, I started laughing. Dad got more irritated, दो तीन और दिए and dad himself burst out laughing. And he said के क्या करते हो सब यार, बेवकूफी मत किया करो। तो ये है डिसाइडर सवाल। जो भी जीतेंगे खेलेंगे हमारे साथ सुपर सवाल। आपके पास है 15 सेकेंड। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। रिजल्ट बताइए सर, मैं जीतना चाहता हूँ। रिजल्ट है तो ये आपने लगाया 64% पर और कपूर साहब ने लगाया 40% पर। आए देखें कि कितने चोर हैं मोटरसाइकिल और स्कूटर के हिंदुस्तान में। कुमार रोलो तो गोलू। आप जीत रहे सर, मैं बोल रही हूँ। Yes! Yes, 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 देखो इन्होंने किया है ना, तुमको पता है कि कितना।
तो कपूर साहब खेलेंगे मेरे साथ सुपर सवाल और पीयू उनको मॉरल सपोर्ट देंगी वहां पर जाकर। पाजी पहले चेक ले आइए। तो अभी मेरे साथ खेलेंगे सुपर सवाल कपूर साहब एंड पीहू सपोर्ट देंगी मॉरली उन्हें। लेट्स प्ले सुपर सवाल। अभी तक आपने जीता 80,000 रुपए। ये जो सुपर सवाल है जाहिर है कि एक ही सवाल है, ये अगर आपका सवाल सही पड़ जाता है Correct. तो आप जीतते हैं 10 गुना ज्यादा, मतलब कि आप जीतेंगे 8,00,000 रुपए। इसमें 10% की खिड़की है आपके पास। तो आपका सुपर सवाल ये रहा, कितनी प्रतिशत भारतीय पत्नियों को लगता है कि उनके पति अपनी फैमिली को पर्याप्त समय देते हैं? What percent of Indian wives feel that their husband spend enough time with their family? मेरी बीवी को तो नहीं लगता, मगर देश में ऐसे बहुत सी पत्नियां हैं उन्हें ऐसा लगता है। मेरी बीवी को हमेशा लगता है कि मैं enough time उनके साथ spend पर्याप्त समय देते हैं। देते हैं, करेक्ट करेक्ट। आप बोल रहे हैं कि आपकी मिसेस को ऐसा नहीं लगता कि आप yes समय बिताते हैं ज्यादा? हमेशा कंप्लेन, और जेन्युइन कंप्लेन है। अब लेकिन आप काम भी तो इतना करते हैं। करते हैं, क्या करें, रोजी रोटी है यही, पेट के लिए करना पड़ता है। तो एक अनुमान लगा लीजिए, आप क्या लगता है आपको? एक बार मुझे लगता नहीं मिनट में हेल्प कर पाऊंगी इस चीज में। ये ठीक है सर, करेक्ट सर, ये परफेक्ट 70-80, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। ये मेरे को कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है, इतना ही होना चाहिए। 70-80 सर। तो ये आपने लगाया 70-80। Come on, रोलू तो गोलू, बताओ कि कितने ऐसे प्रतिशत हस्बैंड्स हैं जो कि इनफ टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ? कपूर साहब जीत चुके हैं, ये सुपर सवाल कमा चुके हैं 8,00,000 रुपए। पाजी प्लीज गेट द चेक, और ये इनका चेक जाएगा। ये पिक्चर हिट है, ये पिक्चर हिट है, ये पिक्चर हिट है। ये चेक जाएगा अब एक नोबल कॉज को, और वो कॉज क्या है कपूर साहब? प्लान इंडिया, प्लान इंडिया, प्लान इंडिया को जाएंगे 8,00,000 रुपए। तो आज का खेल खत्म, पैसा हजम। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक अच्छे अच्छे काम करो, हिंदुस्तान का बड़ा नाम करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ लो इशारा, अकेले अकेले ना हो।